नमस्कार। भारत सरकार ने नोटबंदी का ऐलान के बाद भारत की नई करेंसी नेपाल में गैरकानूनी घोषित कर दी गई है। नेपाल में आज से 2,500 और 200 रुपए के नए नोट प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। अब इस भारतीय मुद्रा को अपने साथ लेकर नेपाल जाना, अपने पास रखना और इन नोटों के बदले सामान देना गैरकानूनी होगा। नेपाल के संचार और सूचना मंत्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा ने गुरुवार देर रात इसकी पुष्टि की है। नेपाल के कैबिनेट ने तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने का आदेश दिया है। इस फैसले का असर नेपाल के पर्यटन पर पड़ेगा। भारतीय पर्यटकों को भी इससे काफी असुविधा भी होगी। भारत में जारी हुए 200, 500 और 2000 के भारतीय नोटों को नेपाल सरकार ने मान्यता तो नहीं दी थी, लेकिन अब तक उसने इसे गैरकानूनी भी घोषित नहीं किया था। नेपाल के बाजार में ये नोट चल रहे थे, लेकिन अब नेपाल सरकार ने नई भारतीय करेंसी को गैरकानूनी घोषित करते हुए इनका प्रचलन पूरी तरीके से बंद करने का फैसला किया है। अब भारतीयों को नेपाल में इस्तेमाल के लिए 100, 50 या अन्य छोटे नोट ले जाने होंगे, या फिर उन्हें नेपाल बॉर्डर पर ही भारतीय नोटों को नेपाल की करेंसी से बदलना होगा। भारतीय मुद्रा नेपाल में आसानी से चलती थी। नेपाल सरकार का भी मानना है कि इसका प्रभाव नेपाल पर्यटन उद्योग पर पड़ेगा, लेकिन देश हित में यह फैसला जरूरी था। हमारे चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।